हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सौरभ, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने काफ़ी मेडिसिन डिस्कस की, काफ़ी प्रॉब्लम्स डिस्कस की, उसका भी बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्सेज मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। दोस्तों, ये थोड़ा सा सिंपल भी है और थोड़ा सीरियस भी है, और कभी कभी ध्यान ना देने में बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। तो ये क्या होता है, इसके कारण क्या है, कैसे होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, क्या ट्रीटमेंट्स और क्या मैनेजमेंट है, सामान्य भाषा में हम आपस में एक छोटी सी चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सबसे पहले तो हम जाने आयरन क्या है। दोस्तों, एक आयरन एक मिनरल है हमारी बॉडी में, जो ब्लड में हमेशा सर्कुलेट करता रहता है, जिसका काम क्या है, ऑक्सीजन पहुंचाना टिश्यू से टिश्यू तक। ब्लड के थ्रू हमारे जो भी ऑक्सीजन पहुंचते हैं टिश्यू से टिश्यू तक, वो आयरन का काम करता है। जब आयरन की कमी हो जाती है तो इसके कारण से हमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है हमारे ब्लड में, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत, पंप सर्कुलेशन में, हार्ट सर्कुलेशन में दिक्कत आने लगती है, बहुत सी प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं। तो कैसे जानेंगे क्या क्या सिम्टम्स हैं, कैसे जाने कि हमें आयरन डेफिशिएंसी है। सबसे पहले दोस्तों, आयरन डेफिशिएंसी का सबसे पहला सिम्टम्स तो ये आता है कि आपको एक पेलनेस, मतलब एक पीलापन शरीर में, एक जो एनीमिया होता है, जिस तरह के एनीमिया के सिम्टम्स होते हैं, ठीक उसी तरह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के भी सिम्टम्स पहले आने लगते हैं। नाखून जो होते हैं आपके टूटने लगते हैं, मतलब आप चाहे जितना उसको बचा के रखें वो टूटने लगेंगे। आँखों में पीलापन आने लगता है, बहुत ही थकान, हमेशा कमजोरी सी फील होने लगेगी, और आप मन करता रहेगा हमेशा लेटे ही रहें, हमेशा सोते रहें, यही कुछ ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होना, और ये आपके हार्ट बीट्स भी कभी कभी बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिसके कारण आप जान पाएंगे कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। अब दोस्तों, जानते हैं इसके कॉजेज क्या क्या होते हैं, किस कारणवश ये होता है। दोस्तों, जो सबसे पहला कारण होता है आयरन डेफिशिएंसी होने का, वो है ब्लड लॉस, ब्लड का लॉस होना। ब्लड कहाँ कहाँ लॉस होता है, पहली चीज़, अगर प्रेग्नेंट वीमेन है उस समय प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होना। दूसरा, अगर आपको इंटरनल कहीं ब्लीडिंग हो रही हो आपके शरीर में, या आपके इंटेस्टाइन में कहीं ऐसा कुछ हो गया, अल्सर हो गया हो, या ब्लीडिंग हो रही हो आपको पता ना हो, या आपको बहुत ज़्यादा पाइल्स में ब्लीडिंग हो रही हो, या अब किसी भी चीज़ में आपकी ब्लीडिंग्स लगातार पीरियड्स के टाइम ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई हो, तो लगातार ये 4-6 महीने से अगर हो रहा हो तो कहीं ना कहीं वो आयरन की डेफिशिएंसी कॉज होता है। दूसरा कारण दोस्तों इस तरह से होता है कि जैसे आपने अपने डाइट में, डाइटिंग हैबिट्स में बहुत कमी ला दी हो और आयरन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम कर दी हो, तब ये हो सकता है। तो दोस्तों, ये कॉजेज हो गए। अब इसके क्या क्या हम बचाव कर सकते हैं, आखिर ये क्या क्या हम यूज करें जो ये बच जाए, इसके मैनेजमेंट्स क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में आपको सबसे पहले इसके सप्लीमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। जिस लेवल तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आयरन डेफिशिएंसी है, सबसे पहले आपको एक टेस्ट कराना पड़ेगा जिसे आयरन प्रोफाइल टेस्ट कहते हैं, और CBC। CBC से आपको पता चलेगा आपके हीमोग्लोबिन की कंडीशन, क्योंकि ऑक्सीजन ये पहुंचाने का काम करता है, तो हीमोग्लोबिन का भी जो रेट होता है वो डाउन होने लगता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कारण। तो अगर आपकी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन का भी प्रॉब्लम आने वाला है आपको। आप टेस्ट कराइए, आयरन प्रोफाइल टेस्ट, CBC, और कुछ जनरल टेस्ट जैसे SGPT, SGOT। अगर आप ये कराते हैं तो आपको काफ़ी हद तक ये पता चल जाएगा कि आपको आयरन डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर आपका आयरन डेफिशिएंसी आता है तो आप खाने में सबसे पहले सप्लीमेंट्स लीजिए, आयरन के सप्लीमेंट्स को बढ़ाइए खाने में। आप जैसे पालक, चुकंदर, और कुछ ऐसे जूसेस होते हैं जैसे अनार का जूस, जिसमें जिसमें आयरन पाया जाता है उसकी मात्रा को बढ़ा दीजिए, तो काफ़ी हद तक आपका ये मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट आपका पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आते हैं ट्रीटमेंट पे। होम्योपैथिक वे में या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी में आप क्या लेंगे। दोस्तों, पहली चीज़ तो ये है कि सप्लीमेंट सबसे पहले ज़रूरी होते हैं, ट्रीटमेंट्स नेक्स्ट लेवल होता है, सेकेंडरी होता है आयरन की कमी में। लेकिन फिर भी अगर आपको मेडिसिंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है तो कुछ मेडिसिंस हैं जो आपको आयरन के लिए बहुत ही अच्छा वर्क कर सकती हैं, जैसे Ferrum-Fos 6X, Ferrum-Metallicum 3X। तो ये कुछ मेडिसिंस हैं दोस्तों जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में वर्क करेंगी, और
होप करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और इससे आप काफ़ी लाभान्वित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।